ऑफ एनालिसिस, राइट। तो अगर हम देखें पहले, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज कि वेन एवर वी टॉक ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, आप लिखते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है ना, साथ साथ में लिखते जाएंगे, या मैं लिखवा सकता हूं, राइट। लिखो जी, वन ऑफ द प्राइमरी पर्पज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वन ऑफ द प्राइमरी पर्पज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैज बीन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कि जो इन्फ्लेशन का कंट्रोल है वो प्राइमरी पर्पज है मॉनेटरी पॉलिसी का, राइट। एंड इन्फ्लेशन इज कॉज ड्यू टू, आगे हम इन्फ्लेशन पे अलग से लेक्चर भी करेंगे, बट इन्फ्लेशन इज कॉज्ड ड्यू टू अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड ड्यू टू मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, दैट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन, राइट। बट ठीक है, अभी के लिए ठीक है कि अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, कि डिमांड बढ़ गई ज्यादा, सप्लाई है कम, दिस विल रिजल्ट इन टू सम सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेशन, है ना। तो ये एक तरह से डिमांड साइड फैक्टर बन गया इन्फ्लेशन का। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डिमांड सेम है, डिमांड इज सेम, बट सप्लाई की कॉस्ट बढ़ गई, द कॉस्ट ऑफ सप्लाई इंक्रीजेस, मतलब कॉस्ट ऑफ प्राइजेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, सो दैट मे ऑल्सो कॉज इन्फ्लेशन, राइट। सो दैट विल बी अ सप्लाई साइड फैक्टर, ये डिमांड साइड फैक्टर होता है, ये सप्लाई, बट देयर हैज टू बी सम मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, राइट। सो मॉनेटरी पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन ओरिएंटेड टुवर्ड्स दिस प्राइमरी कंसर्न। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैज बीन टू टेक केयर ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल फैक्टर्स ये हमने लास्ट लेक्चर में करा था, मैं इसको समराइज कर रहा हूं जस्ट टू डेवलप अ बैकग्राउंड फॉर द टॉपिक ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ओके, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ओके। सो व्हाट आर दीज मॉनेटरी पॉलिसीज, थोड़ा लैग कर रहा है वीडियो ये, अच्छा इंटरनेट का इशू, कोई बात नहीं, मतलब ओके चलो हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं, आराम से करते हैं, राइट। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, हमने पहले किया था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स। सो इन द केस ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, जो मॉनेटरी पॉलिसी है दैट टेक्स केयर ऑफ इन्फ्लेशन, कीपिंग इन्फ्लेशन विद इन परमिसिबल लिमिट्स, एंड सेकेंड इज फ्यूलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। दीज आर द टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ये मैं पिछला रिमाइंड करा रहा हूँ बस आपको। एंड अदर वंस आर कीपिंग द इंटरेस्ट रेट्स अंडर कंट्रोल एंड कीपिंग द एक्सचेंज रेट अंडर कंट्रोल। जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको कंट्रोल में रखना है और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल में रखना है। तो अल्टीमेटली द मॉनेटरी पॉलिसी वॉज ओरिएंटेड टूवर्ड्स ऑल दीज फैक्टर्स, तो इसको मल्टी फैक्टर मॉनेटरी पॉलिसी बोलते थे पहले। सो दस द मॉनेटरी पॉलिसी वॉज अ मल्टी फैक्टर मॉनेटरी पॉलिसी, एंड आरबीआई यूज टू टेक इन टू अकाउंट RBI used to take into account all these factors in proposing a monetary policy.